Hello students, in today's lecture we will discuss about the nodal system of the heart. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे हार्ट का जो नोडल सिस्टम होता है या जो हार्ट बीटिंग जो सिस्टम होता है हमारे हार्ट का वो किस तरह से वर्क करता है, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. बट उसको डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा वाल्व ऑफ द हार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने हार्ट के अंदर कौन कौन से वाल्व के बारे में डिस्कस किया है. एक बार उसे देख लेते हैं. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द वाल्व ऑफ द हार्ट. यदि हम वाल्व ऑफ द हार्ट के बारे में बात करें तो हमने कौन कौन से वाल्व डिस्कस किए थे, हम जरा उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा था यूस्टेशियन वाल्व, डिस्कस अबाउट द यूस्टेशियन वाल्व. तो यूस्टेशियन वाल्व कहां पढ़ा था हमने, ये वाल्व हमने डिस्कस किया था कहां पर, ये डिस्कस किया था हमने इंफीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम के बीच में ये वाल्व था. जब इंफीरियर वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में जब ब्लड को डालती है तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए इंफीरियर वेना कावा में ब्लड दोबारा से नहीं चला जाए, उसे ब्रेक करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमें ये यूस्टेशियन वाल्व देखने को मिलता है. तो ये वाल्व कहां देखने को मिला था हमको, इन्फीरियर वेना कावा और राइट आर्ट्रियम के बीच में. दिस वाल्व मेड बाय द सिंगल फ्लैप, ये सिंगल फ्लैप से मिलकर बना होता है एंड मेजर पोर्शन ऑफ दिस वाल्व आर रूडिमेंट्री. इसका अधिकतर जो पोर्शन होता है वो रूडिमेंट्री होता है, ठीक है. तो हमने देखा था कि यहां पर तीन ओपनिंग है, एक तो इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग है, एक सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है और एक जो है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है. तो तीन जो है साइड से ब्लड हमारे इस राइट आर्ट्रियम में आता है. तो इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है उसका बैक फ्लो नहीं हो उसे रोकने के लिए यूस्टेशियन वाल्व देखने को मिलता है. दूसरा वाल्व हमने कौन सा पढ़ा था, थिवेशियन वाल्व पढ़ा था. यह वाल्व कहां होता है, थिवेशियन वाल्व जो होता है थिवेशियन वाल्व. तो यह वाल्व कहां होगा, यह वाल्व जो होता है यह प्रेजेंट होता है कोरोनरी साइनस और राइट आर्ट्रियम के बीच में. तो थिवेशियन वाल्व आपको कहां देखने को मिलता है, ये वाल्व देखने को मिलता है हमें कोरोनरी साइनस और राइट आर्ट्रियम के बीच में, ये वाल्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है. कोरोनरी साइनस क्या है, देखो कोरोनरी आर्टरी ने हमारे हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड किया. तो कोरोनरी आर्टरी ने हार्ट की वॉल को ब्लड प्रोवाइड किए और कोरोनरी वेंस जो होती हैं ये हार्ट की वॉल से ब्लड लेके आती हैं और ये जितनी भी कोरोनरी वेंस हैं ये सभी वेंस आपस में इंटीग्रेट होकर कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन करती हैं जो कि इस राइट आर्टरियम में जाकर ओपन होता है, ठीक है. इट बिकम क्लियर. तो कोरोनरी साइनस और राइट
जो है आर्टेरियम के बीच में कौन सा वाल्व होगा, थेवेसियन वाल्व होगा। फंक्शन इज सेम कि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकेगा, ठीक है। उसके बाद थेवेसियन वाल्व के बाद अब यहां पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सुपीरियर वेना कावा भी यहां पर ब्लड लेके डाल रही है, तो सुपीरियर वेना कावा ने भी ब्लड डाला है यहां पर, तो सुपीरियर वेना कावा और राइट आर्टेरियम के बीच में कोई वाल्व होता है तो ह्यूमन में सुपीरियर वेना कावा और राइट आर्टेरियम के बीच में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। अब नेचुरली ये ऊपर से ब्लड लेके आ रही है तो यहां पर तो वैसे ही ब्लड ऊपर से नीचे जो है आएगा, फोर्स के साथ आएगा, तो यहां पर वाल्व की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सुपीरियर वेना कावा जो यहां पर ब्लड लेके डाल रही है, जो कि बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है, वहां पर कोई वाल्व नहीं है। इन्फीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लेके आ रही है तो यहां पर ब्लड वाल्व है, कौन सा वाल्व था, यूस्टिशियन वाल्व। कोरोनरी साइनस राइट आर्टेरियम में ब्लड डाल रहा है तो यहां पर कौन सा वाल्व था, यहां पर वाल्व था हमारा थेवेसियन वाल्व। इट बिकम क्लियर, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बारे में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व नाम से स्पष्ट है कि ये वाल्व कहां प्रेजेंट होंगे, ये वाल्व प्रेजेंट होंगे आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व प्रेजेंट होंगे, कौन से वाल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब देखिए ये रिसीविंग चेंबर सुपीरियर चेंबर कौन से हैं, एट्रियम, और ये नीचे वाले चेंबर इंफीरियर चेंबर, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर कौन से हैं, वेंट्रिकल। तो ये आर्टरियम, ये वेंट्रिकल, ये आर्टरियम, ये वेंट्रिकल, तो इनके बीच में ये क्या हो गए, वाल्व हो गए। तो ये वाले जो वाल्व हैं, इन वाल्व को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पहला कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखो ये क्या है, राइट आर्टरियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और इसके बीच में ये जो वाल्व यहां पर होगा, ये वाल्व कौन सा होगा, ये होगा ट्राई कस्पिड वाल्व। एक्चुअली ये थ्री कस्प या फिर फ्लैप का बना होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, तो ये थ्री कस्प से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ट्राइकस्पिड वाल्व बोला। याद रखिएगा ये वाल्व जनरली ओपन रहते हैं, ये वाल्व जनरली क्या होंगे, ओपन होंगे, पर जब प्रेशर आता है, एक्चुअली क्या हुआ कि ये वाल्व ओपन होते हैं, आर्टेरियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता रहता है, पर जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए, कि भाई वेंट्रिकल से ब्लड आर्टेरियम में नहीं चला जाए, इसे ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए ये वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये वाल्व बेसिकली कब बंद होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस समय, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होता है उस समय, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन को हम सिस्टोल या सिस्टोली के नाम से जानते हैं, तो उस समय इसका ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये उस समय क्लोज होगा, बंद होगा। इट बिकम क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर ये जो वाल्व था, ये वाल्व कौन सा था, यहां पर ये वाल्व था हमारा बाइकस्पिड वाल्व। एक्चुअली ये वाल्व जो है टू कस्प का बना होता है, दिस वाल्व मेड बाय द टू कस्प, इसलिए इसको क्या बोला, बाइकस्पिड वाल्व बोला। इसका अल्टरनेट नेम क्या है, इसका अल्टरनेट नेम है मिट्रल वाल्व। तो अल्टरनेट नेम ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व इज द मिट्रल वाल्व। यू मस्ट रिमेंबर एज कंपेयर टू ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व इज मोर पावरफुल बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल
का जो मसल्स होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल ये ज्यादा थिक होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन मोर फोर्सफुल होगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो यहां पर वाल भी एज कंपेयर टू ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच में यहां पर जो वाल्व है ये कौन सा वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व है या फिर इसको हमने क्या बोलते हैं मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्रल वाल्व क्या होता है, तो मिट्रल वाल्व इज द बाइकस्पिड वाल्व, ये टू कस्प लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है इसलिए इसे हम बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये वाल्व क्लियर हो गए। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व किस में आते हैं, दिस कम अंडर द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये किस में आएंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व के बारे में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेमी ल्यूनर वाल्व। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेमी ल्यूनर वाल्व। अब सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली देखिए ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दीज वाल्व प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक एओर्टा। ये वाल्व कहां पर प्रेजेंट होते हैं, देखो राइट आट्रियम में से वेंट्रिकल में से क्या जा रहा है, ये जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक, इसे हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से भी जानते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर करती है लंग्स की ओर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पल्मोनरी ट्रंक और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एओर्टा, ये क्या हो गया एओर्टा हो गया। ठीक है, अब इनकी ओपनिंग देखिए, ये इसका ओपनिंग है सिस्टेमिक, ये हमारे पल्मोनरी ट्रंक का ओपनिंग है। तो पल्मोनरी ट्रंक का जो ओपनिंग है यहां पर जो वाल्व देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा सेमी ल्यूनर वाल्व। इसके बाद हमारा जो है ये क्या है, यहां पर है हमारा जो है ओपनिंग ऑफ द एओर्टा। तो ओपनिंग ऑफ द एओर्टा में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व बेसिकली बंद होते हैं, क्लोज रहते हैं, और जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इन वॉल्व पे फोर्स पड़ता है तो उस समय ये ओपन हो जाते हैं। फंक्शन इनका वही है कि यहां बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकेंगे। ठीक है ना, तो अब सिस्टेमिक जो है एओर्टा में से और पल्मोनरी ट्रंक में से बैक फ्लो जो है वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का नहीं होना चाहिए, उसे रोकने के लिए हमारे पास ये हमारे हार्ट में सेमी ल्यूनर वॉल्व देखने को मिलते हैं। तो वॉल्व के बारे में आपका जो है कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वाल्व के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आई थिंक इट बिकम क्लियर, ये पूरी तरह से समझ में आ गया आपको वाल्व के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द नोडल सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है
इसे नोडल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ कमांड ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हार्ट कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर वन न्यूरोजेनिक, पहले टाइप का जो हार्ट होता है वो कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। यहां पर क्या होता है कि हार्ट बीट के ऊपर जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? वो हमारे नर्वस सिस्टम का होता है या न्यूरल सिस्टम का होता है। मतलब कि यहां पर क्या है कि हमारा जो हार्ट है, यहां पे आप देखेंगे कि जो हार्ट है उसे बीट करना है, तो हार्ट को बीट करने की जो इंफॉर्मेशन देगा वो कहां से आएगी? वो आएगी कहां से? नर्वस सिस्टम से आएगी। तो हार्ट को बीट करने की जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहां से आ रही है? नर्वस सिस्टम से आ रही है। हार्ट में कोई ऐसी डिवाइसेस नहीं है जिसके थ्रू वो बीट को ओरिजिनेट कर सके, ठीक है। तो इस तरह की हार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट कहां देखने को मिलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट इन ऑल इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट द मोलस्कस। तो दिस टाइप ऑफ द हार्ट प्रेजेंट इन, इसके एग्जांपल क्या होंगे? ऑल इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट मोलस्का। तो जिन जिन इनवर्टिब्रेट्स में भी हार्ट देखने को मिलता है, जैसे एनीलिडा हो गया, अर्थोपोडा हो गया, तो उनमें जो है न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलेगा। तो न्यूरोजेनिक हार्ट कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको फाइलम अर्थोपोडा के अंदर और फाइलम मोलस्का के अंदर, इस तरह का हार्ट आपको देखने को। तो इस तरह का हार्ट कहां देखने को मिलेगा आपको? इस तरह का हार्ट आपको देखने को मिलेगा अर्थोपोडा में, एनिलिडा में, ठीक है, मोलस्कल्स को छोड़कर। मोलस्कल्स में इस तरह का हार्ट नहीं मिलता है, तो उन्हें छोड़ दीजिए। रिमेनिंग जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में आपको इस तरह का हार्ट देखने को मिलता है। अब दूसरे तरह का हार्ट जो होता है वो, उस हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। अब मायोजेनिक हार्ट कैसा होता है? देखिए, मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो डायरेक्ट हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं करता है। तो नर्वस सिस्टम डायरेक्टली नॉट कंट्रोल द हार्ट बीट। अब हार्ट बीट यहां पे इनिशिएट कैसे होगी? न्यूरोजेनिक हार्ट में तो क्या हो रहा था कि नर्वस सिस्टम कमांड दे रहा था हार्ट बीट को इनिशिएट करने की, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे टाइप का हार्ट देखते हैं, वो कौन सा है? मायोजेनिक हार्ट। अच्छा, इस हार्ट में क्या हो रहा है? इस हार्ट में आप देख रहे हो कि यहां पर एक मस्कुलर डिवाइस प्रेजेंट इन द हार्ट, और जो मस्कुलर डिवाइस हार्ट में प्रेजेंट होती है ये क्या करेगी? ये डिवाइस जो होगी यह प्रोड्यूस द इंपल्सिस फॉर हार्ट बीट, और ये हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए इंपल्स जनरेट करेगी। तो इससे हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा? बीट करेगा, ठीक है। तो मायोजेनिक हार्ट में क्या हो रहा है? यहां पे आप क्या देख रहे हो? एक मस्कुलर डिवाइस होती है जो कहां प्रेजेंट है? हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। हार्ट जिस टिश्यू से बना हुआ है उसी टिश्यू से वो बनी हुई है, और वो लगातार इंपल्स जनरेट करती है बीट के लिए, ठीक है ना। इट बिकम क्लियर? तो इस तरह के हार्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल करता है इस तरह के हार्ट में? तो यहां पर नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल करता है,
बट डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है नर्वस सिस्टम का, किसके अंदर, मायोजेनिक हार्ट के अंदर। तो इस तरह का हार्ट कहां देखने को मिलेगा, इस तरह का हार्ट आपको देखने को मिलेगा ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें आपको इस तरह का हार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इन वर्टिब्रेट में केवल एक ही फाइलम ऐसा है उसमें मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है, तो वो फाइलम कौन सा है, फाइलम मोलस्का, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट के एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल होंगे एक तो फाइलम मोलस्का एंड वर्टिब्रेटा। तो मोलस्का में और वर्टिब्रेटा में इसी तरह का हार्ट देखने को मिलता है, मायोजेनिक टाइप का हार्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप जानते हो कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये कंटिन्यूअस पंप करता है विदाउट द रेस्ट। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चे में, सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक चाइल्ड में सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो हार्ट बीट इनिशिएशन की होती है। हार्ट बनता है पहले उसका, सबसे पहले उसकी हार्ट बीट इनिशिएट होती है, उसके बाद में एम्ब्रियो की अदर एक्टिविटी कंडक्ट होती है, और जब तक हम सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, तब तक हमारी हार्ट बीट कंटिन्यू चलती रहती है। तो आखिर ये हार्ट बीट होती क्या है, देखिए हमारे हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है इसी को हम हार्ट बीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हार्ट बीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हार्ट बीट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हार्ट बीट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द हार्ट, या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट बीट मतलब क्या, हार्ट बीट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। अब सिंगल हार्ट बीट का मतलब क्या हुआ, सिंगल हार्ट बीट विल बी इंक्लूड वन सिस्टोलिक मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड वन डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन से मिलकर एक सिंगल बीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू होता क्या है, हार्ट बीट के थ्रू, कि हार्ट कंटिन्यू बॉडी से ब्लड रिसीव भी करता है और कंटिन्यूअस बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट भी करता है हार्ट बीट के थ्रू, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हार्ट के रिसीविंग चैम्बर हो गए, जिनसे बॉडी से ब्लड रिसीव करेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर हो गए, इनसे बॉडी के अंदर हार्ट जो है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समझ में आ गया ना। तो एक सिस्टॉल और एक डायस्टॉल से मिलकर एक सिंगल हार्ट बीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इट बिकम क्लियर। अब हार्ट बीट जो ह्यूमन का जो एवरेज जो हार्ट बीट होता है वो कितना होता है, वो होता है 72 बीट पर मिनट। तो एवरेज हार्ट बीट ऑफ द ह्यूमन इज 72 बीट पर मिनट। तो एवरेज हार्ट बीट इन ह्यूमन ये कितना होगा, ये होगा 72 बीट पर मिनट, ये एवरेज हार्ट बीट होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हार्ट बीट क्या होता है ये तो क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं एनिमल किंगडम में, कि जो छोटे एनिमल होते हैं उनका हार्ट बीट ज्यादा होता है और जो बड़े एनिमल होते हैं उनका हार्ट बीट कम होता है। यदि हम किसी एक
रेट के अंदर बात करें, चूहे के अंदर बात करें, तो उसका जो हार्ट बीट होगा वो 200 बीट पर मिनट होता है। छोटे बच्चे में न्यूलीबॉर्न चाइल्ड का हार्ट बीट काफी ज्यादा होता है, एडल्ट का हार्ट बीट 72 होता है, ठीक है। उसके बाद न्यू एनिमल में ज्यादा होगा, ओल्ड में कम होगा। तो हम देखेंगे कि एक यंग पर्सन के अंदर हार्ट बीट ज्यादा देखने को मिलेगा और एक ओल्ड पर्सन के अंदर हार्ट बीट कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हार्ट बीट एनिमल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई एनिमल बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसका हार्ट बीट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें बर्ड्स में, तो बर्ड्स में हार्ट बीट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड में आप क्या देखेंगे कि उसका जो हार्ट बीट होता है वो 1200 बीट पर मिनट होता है, 1200 बीट पर मिनट से टू हार्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एनिमल सुस्त होते हैं मेटाबॉलिकली, काफी लेजी टाइप के होते हैं, उनका हार्ट बीट कम होता है और कम टेम्परेचर पर रहते हैं तो हार्ट बीट उनका भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में बात करें, तो उसका जो हार्ट बीट होता है वो काफी कम होता है। उसका हार्ट बीट जो है आपको 42-60 बीट पर मिनट देखने को मिलेगा। इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। तो हार्ट बीट जो होता है वो एनिमल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और फिजिकल एक्टिविटी कम कर देंगे तो हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस, स्ट्रेस में हार्ट बीट बढ़ता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में हार्ट बीट बढ़ता है, मान लीजिए कोई गेम खेलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे फिजिकल गेम खेलते हैं तो आप देखेंगे नॉट प्ले कार्ड, तो आप उस समय क्या होगा कि हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हार्ट बीट जो होता है वो एक्टिविटी ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइक द हार्मोन्स। जैसे कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के सेक्रेशन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है। थायरोक्सिन का सेक्रेशन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, ठीक है। तो हार्ट बीट जो है इस तरह से कई ढेर सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट कैसा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मायोजेनिक हार्ट कहां देखने को मिलता है, वर्टिब्रेट्स में और हमारे मॉलस्कंस में देखने को मिलता है। तो ह्यूमन हार्ट किस तरह का होगा, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम किस तरह का है, ह्यूमन हार्ट में जो है हार्ट बीट किस तरह से इनिशिएट होती है, हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ह्यूमन हार्ट में राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है उसके पास में एक स्पेशल न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को हम साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ये यहां पर जहां पर किसका ओपनिंग है, जहां पर किसका ओपनिंग है, सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग है। तो इस जगह पे आप क्या देखेंगे कि इस जगह पे आपको एक हार्ट वॉल के अंदर ही आपको एक स्पेशलाइज्ड मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, इज ऑल्सो नोन एज साइनो आर्ट्रियल नोड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा बीट क्रिएट होता है, हार्ट बीट की जो इंफॉर्मेशन जो क्रिएट होती है वो एक्चुअली यहां से क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसे डिस्कस करने के पहले कुछ बात बिल्कुल याद रखिए कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज नोन एज नोडल सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को किस नाम से जानते हैं, नोडल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हार्ट के वो सारे स्ट्रक्चर जो कि हार्ट के बीट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सभी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाएंगे, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर, सबसे मेन स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा साइनो आर्ट्रियल नोड। तो साइनो आर्ट्रियल नोड शॉर्ट फॉर्म में से किस नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस ए नोड। कौन सा नोड बोलते हैं इसको हम, इसे हम ऐसे नोड के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो हार्ट बीट का जो ओरिजिन होता है वो इस साइनो एट्रियल नोड से होता है, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना हुआ है, दिस मेड बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। तो किससे मिलके बना हुआ है, दिस मेड बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। ये किससे मिलके बना हुआ है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पोजीशन क्लियर हो गई, कहां प्रेजेंट है ये, नियर ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये राइट आर्ट्रियम है, तो राइट आर्ट्रियम में किधर प्रेजेंट है ये ऊपर की साइड में प्रेजेंट है, किधर, साइनो ऑरिकुलर, सॉरी जो सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग है वहां पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसकी लोकेशन कई बार एग्जाम में लोकेशन पूछी गई है, तो प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कार्डियक मसल्स का बना है पर इसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो रहा है इसके अंदर, दिस प्रोड्यूस द इम्पल्स फॉर हार्ट बीट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है जनरेशन ऑफ इंपल्सेस फॉर हार्ट बीट, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पेस मेकर, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पेस मेकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हार्ट कितनी बार बीट करना है, कब बीट करना है, तो ये किस कहां से जनरेट होगा, ये जनरेट होगा हमारे इस पेस मेकर से या ऐसे नोड से। कई बार ओल्ड एज में ये खराब हो जाता है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो इन अफेक्टेड पर्सन की चेस्ट पर, बाहर से चेस्ट पर एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर, और उसकी जो वायरिंग होती है वो यहां तक ट्रांसफर कर दी जाती है, ऐसे नोड तक ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर क्या होगा, हमारा जो आर्टिफिशियल जो पेस मेकर है वो प्रोड्यूस करेगा इम्पल्सेस, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है पर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहा, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक इम्पल्सिस जनरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए कुछ राइटर्स क्या बोलते हैं कि ऐसे नोड मेड बाय न्यूरोमस्क्यूलर टिश्यू, किससे मिलकर बना होता है, न्यूरोमस्क्यूलर टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जब ये इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा तो इम्पल्स क्या होगा, आर्ट्रिया की वॉल में स्प्रेड होंगे। तो जब भी इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा तो इम्पल्सिस कहां स्प्रेड होगी, आर्ट्रिया की वॉल में इम्पल्सिस स्प्रेड होगी। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा कि आर्ट्रिया जो होगा उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है। तो जब भी ये इम्पल्स जनरेट करेगा तो इम्पल्स कहां जाएंगे, आर्ट्रिया की वॉल में स्प्रेड होंगी, और आर्ट्रिया की वॉल में ही हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, इसे हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, इसे बोला हमने एवी नोड, मतलब कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सा नोड, इसे हमने बोला एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब ये कहां प्रेजेंट होगा, ये राइट आर्ट्रियम ही प्रेजेंट है पर किसके पास प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस,
ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसिस। ये कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनसिस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो जब ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ तो आर्ट्रिया की वॉल में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड हो गया। अब क्या होगा, आर्ट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कार्डियोलॉजी में कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल या सिस्टोली के नाम से जानते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही यहां से इम्पल्स जनरेट हुआ कॉन्ट्रैक्शन का, तो आर्ट्रिया के अंदर क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। क्या हो गया, आर्ट्रिया के अंदर सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसके पास पहुंचा, एबी नोड के पास पहुंचा। तो एबी नोड जो होता है इसे जो है हम पेस सेटर के नाम से भी जानते हैं, इज आल्सो नोन एज पेस सेटर। पेस सेटर ऑफ हार्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन कहां है, एबी नोड भी राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट है पर कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास में प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे कि यहां से क्या हुआ, यहां से एक बंच ऑफ फाइबर कहां से, एबी नोड से जाता है, कहां जाएगा वो, यहां से बंच ऑफ फाइबर निकला तो वो कहां गया, वेंट्रिकल की वॉल में गया, सॉरी ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक बंच गया, फाइबर्स का एक बंच आप देख रहे हो जो कहां से निकल रहा है, ये भी नोड से निकल रहा है। और क्या हो रहा है, ये बंच जो है, ये जो बंच या बंडल जो है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में से होते हुए नीचे जा रहा है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल को हमने क्या बोला, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो उसमें से होता हुआ बंडल्स ऑफ फाइबर नीचे जा रहा है। तो इस बंडल ऑफ फाइबर को क्या बोलते हैं, इस बंडल ऑफ फाइबर को हम बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे, हम हिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, इसे हमने किस नाम से जाना, बंडल ऑफ हिस के नाम से जाना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बंडल ऑफ हिस नीचे जाते बराबर, तो बंडल ऑफ हिस कहां प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट इन द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कहां प्रेजेंट है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या देखेंगे कि इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये बंडल ऑफ हिज दो ब्रांच में डिवाइडेड हो जाएगा, ये दो ब्रांच में डिवाइडेड हो गया। आप नीचे देखिए, बंडल ऑफ हिज दो ब्रांच में डिवाइडेड हो गया, इधर वाली ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, दिस ब्रांच इज कॉल्ड राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। क्या बोलेंगे इसे, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। इधर की ब्रांच को क्या बोलेंगे, लेफ्ट ब्रांच द बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ये ब्रांच किधर पहुंचती है, वेंट्रिकल्स की वॉल में पहुंचती है, तो ये छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइडेड हो जाएंगे। किसमें डिवाइडेड हो जाएंगे, ये छोटे छोटे इस तरह के फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे परकिंजे फाइबर्स के नाम से जानते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज परकिंजे फाइबर।
तो रजिस्ट्रेशन नोन एज परकिंस फाइबर्स। अब क्या हुआ, ये इतना समझ में आ गया आपको? तो देखो ये क्या है, ऐसे नोट, ये क्या है ए बी नोट, ऐसे नोट कहां प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ए बी नोट कहां प्रेजेंट है नियर द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, ए बी नोट नीचे जा, ए बी नोट से क्या निकला बंडल ऑफ हिज निकला, ये कहां गया, ये इंटर वेंटिकुलर सेप्टम में गया, और सेप्टम में जाते बराबर ये क्या हो गया दो ब्रांच में डिवाइडेड हो गया, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज। फिर क्या हुआ, फिर जा ये क्या गया, ये कहां गया, ये गया हमारे वेंटिकल की वॉल में, वहां पे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइडेड हो गया, इन फाइबर को क्या बोला परकिंस फाइबर, क्योंकि परकिंस करके इटालियन एनाटॉमिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसे हम परकिंस फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये परकिंस फाइबर्स हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रेक्शन की इंफॉर्मेशन जो एस ए नोड से क्रिएट हुई थी, अब क्या होता है ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचती है, ये इंफॉर्मेशन जो पहुंची कहां पे एबी नोड के पास पहुंची, एबी नोड से इंफॉर्मेशन बंडल ऑफ हिज में गई, और वहां से इंफॉर्मेशन कहां पहुंची परकिंस फाइबर में पहुंची। जब ये इंफॉर्मेशन परकिंस फाइबर में पहुंचेगी तब जाके वेंट्रिकल में क्या होगा, तब जाके वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, मतलब वेंट्रिकल का क्या होगा सिस्टोल होगा। तो ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन आर्ट्रिया में पहले पहुंचती है, तो पहले आर्ट्रिया का सिस्टोल होता है, फिर कहां जाती है ये, फिर पहुंचती है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल बाद में होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे एक बार बता, देखो ऐसे नोड ऑफ द हार्ट, एबी नोड ऑफ द हार्ट, बंडल ऑफ हिज, परकिंस फाइबर। तो ये चार स्ट्रक्चर से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट या फिर नोडल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर कंडक्ट, हमारे हार्ट का क्या हो गया, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट हो गया। तो आई होप डेट आपको ये समझ में आया होगा, एनसीईआरटी में से भी इसको रीड कीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, कि हार्ट बीट में कौन कौन से इवेंट होते हैं, हार्ट बीट किस तरह से अफेक्टेड होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप डेट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कंटिन्यूअस लेक्चर्स को वॉच कीजिए, और जो भी अपने कमेंट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दीजिए, ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकें, और इसके साथ साथ लेक्चर्स को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।